इसके अंदर फिल्टर दिया हुआ है तो ये वॉशेबल है। चाय की पत्ती बहुत ही हल्की थी तो इसने अच्छे से उसको वैक्यूम कर दिया सारे को। अब देखते हैं इन बाकी सबको ये कर पाता है या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल फन बॉक्सिंग में। और फन बॉक्सिंग क्योंकि फन भी जरूरी है। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही वायरल चीज की, जो आपने रील्स पे, शॉर्ट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह देखी होगी। तो ये है पोर्टेबल कार वैक्यूम क्लीनर और एक ब्लोअर भी साथ में। तो इसकी वीडियो में दिखाया गया ये पानी को खींच लेता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हम सच में इसको चेक कर देखेंगे कि जितना दिखाया गया ये उतना पावरफुल है भी, काम का है भी, या फिर बिल्कुल कचरा डिवाइस है। तो इसकी कोई खास कंपनी नहीं है, इसके ऊपर बस लिखा हुआ है 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर इसकी फुल डिटेल में टेस्टिंग भी करेंगे। तो ये इसका कुछ बॉक्स बाहर से देखने में ऐसा इसके ऊपर दिखाया गया पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। वार्निंग, नो चार्जिंग, नो यूज। तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा तभी यूज कर पाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? तो सबसे पहले मेन डिवाइस, इस साथ में इसका एक ब्रश वाला लंबा पाइप जो कि वैक्यूम क्लीनर के साथ काम आएगा। ये फिल्टर लगा हुआ है, एक और ब्लोअर जिसके अंदर आपका सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। ये कि इसका ब्लोअर नोज जिससे आप इसको ब्लोअर की तरह यूज कर सकते हो। और ये इसकी एक चार्जिंग केबल, ये चार्जिंग केबल माइक्रो यूएसबी टाइप है तो आप इसको किसी भी माइक्रो चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसके अंदर जो फिल्टर दिया हुआ है तो ये वॉशेबल है, इसको आप गंदा होने के बाद धो के साफ भी कर सकते हो। और इसको लगाना बहुत आसान है, इसको पकड़ के इसके अंदर ऐसे डाल देना है तो ये इसके अंदर फिट हो गया। तो इसके अंदर दिया हुआ है ऐसे एल शेप में निशान और इस तरफ भी दिया हुआ है सेम निशान। तो आपको इसको ऐसे डाल के और सिर्फ घुमाना है तो ये कनेक्ट हो गया, अब ये नहीं निकलेगा। तो सेम आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो और बारीक जगहों में घुसाने के लिए आप इसमें आगे इसके ये पाइप भी लगा सकते हो तो ये आगे ब्रश का भी काम करेगा। तो ये तो हो गई इसकी सामने की अटैचमेंट। और इसको आपको अगर ब्लोअर की तरह यूज़ करना है तो वो इसके पिछले हिस्से से कर सकते हो, ये नोज लगा के यहाँ पे दिए हुए इसके कट। और इसको आप जैसे इस कट के अंदर डालोगे तो ये घुमाते ही अटैच हो जाएगा, तो अब ये एक ब्लोअर बन गया है। तो ये तो इसकी पूरी असेंबलिंग, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे रख लिए अलग अलग साइज के और अलग अलग वेट के सामान। आप इसको एक कचरे की तरह समझो जो गाड़ी में या घर में फैला सकते है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये बिल्कुल पत्ती बिल्कुल हल्की हो गई, ये चावल दाल गेहूं मोटे भी है और भारी भी। तो हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों को किस तरह से वैक्यूम करता है। तो ये इन भारी गेहूं के दानों को भी अगर वैक्यूम कर सकता है तो गाड़ी में पड़ा किसी भी छोटे मोटे कचरे को खींच सकता है। मैंने इसको कर लिया है इसके अंदर अटैच। अब सबसे पहले देखते हैं इस वाले नोजल से कि इससे खींच पाता है या नहीं। तो इसके नीचे दिया हुआ है यहाँ पे एक बटन जिसको हमें ऑन करना है, लेकिन सबसे पहले ये हटा देते हैं। इन दोनों की सिर्फ एक यही चीज़ है कि अगर आपको वैक्यूम यूज़ करना है तो आपको ये ब्लोअर हटाना पड़ेगा, और आपको अगर ब्लोअर यूज़ करना है तो आपको ये वैक्यूम हटाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम वैक्यूम यूज़ कर रहे थे, इस ब्लोअर को हटा देते हैं। तो अब देखते हैं इसको चेक करके, पहले इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन तो हो गया है, आवाज़ भी बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर जैसी आ रही है। तो ये खींच तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे। आप देख रहे हो इसके अंदर सारे में पत्ती घूम रही है। तो जैसा कि मार लगा के देख पा रहा हूँ बहुत ही कम वैक्यूम है, बहुत ही मामूली। तो इसको हटा के देखते हैं। तो ये लगाने के बाद ज़्यादा काम का नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने दिखाने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बाकी इसको लगाने के बाद इसकी सारी वैक्यूम की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा एक कवर टाइप का भी लगा हुआ है जिसके अंदर कचरा घुस तो जाए पर कचरा वापस बाहर ना निकले, इसलिए। तो अब हम इसको इसी तरह से यूज़ करके देखते हैं। तो अब देखो कचरा वापस बाहर नहीं गिर रहा और इसने सारी जो चाय की पत्ती थी सब अंदर खींच लिए। देखो अंदर पूरा भरा हुआ है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल साफ कर दिया है। तो ये काम तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो चाय की पत्ती बहुत ही हल्की थी तो इसने अच्छे से उसको वैक्यूम कर दिया सारे को। अब देखते हैं इन बाकी सबको ये कर पाता है या नहीं। पहले इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकालना ही बहुत ईजी है, एक बार इस फिल्टर को पकड़े निकालना है। और ये बाकी सारा इसके अंदर भरा हुआ है, मैंने इसको कर लिया अब खाली, वापस इस फिल्टर को अंदर लगा देंगे।
और इसको भी। अब देखते इसको बाकी सब चीज़ों को करके। तो अभी आपने देखा इसने दाल चावल पत्ती सब कुछ अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, यानी कि इसमें पावर तो है, मज़ा आया। एक काम का तो है कि आपकी गाड़ी को अच्छे से साफ कर देगा। तो अभी आपने देखा मैंने एक छोटा सा डेमो कर दिखाया आपको, इससे कुछ चीज़ों को वैक्यूम करके इसने काफ़ी अच्छे से काम किया। ये लगाने से इसकी पावर कम हो जाती है और ये कुछ खास ज़्यादा है भी नहीं, आप इसको प्लग भी कर सकते हो, लेकिन इसको लगाने से लेंथ बढ़ जाती है इसकी, जिससे इसकी वैक्यूम पावर कम हो जाती है। लेकिन ये बिना इसके बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम का है। ये मेरे को अमेजोन से सिर्फ 430 रुपये का मिला है और इसका पूरे का जो वेट है वो है सिर्फ 250 ग्राम और आप इसका साइज़ देख पा रहे होगे बिल्कुल मेरे हाथ से भी छोटा है, तो एक पोर्टेबल तो है ही। तो आप इसको कार में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके बॉक्स के ऊपर लिखा था कि कार के लिए और घर के लिए, लेकिन मुझे लगता कि घर पर काम कर पाएगा क्योंकि मैंने इसे चेक कर देखा था, सोफ़े वगैरह का जो अंदर गंदगी है वो ये नहीं खींच पा रहा था, लेकिन हाँ जो कचरा मैं आँखों से नजर आ रहा है वो सब इसने अपने अंदर वैक्यूम कर लिया है, तो ये वैक्यूम तो काफ़ी बढ़िया से कर रहा है। तो इसका एक बार ब्लर और चेक करते हैं, और ये डिवाइस मुझे काफ़ी पसंद आया और ये सच में वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छे से। तो अब इसका ब्लर चेक कर लेते हैं एक बार। तो ब्लर को यूज़ करने के लिए पहले में इसका ये आगे का हिस्सा हटाना पड़ेगा और इसका जो पीछे वाला पार्ट है उस पर जो नोब दी हुई है इसको अटैच करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ईजी है और ये इसमें अटैच हो गया है, तो अब इसका ये ब्लर वाला हिस्सा काम करेगा। तो यहाँ से अच्छी खासी हवा फेंक रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें थोड़ा बहुत कचरा पड़ा रहता है छोटा मोटा, तो ये आपके काम की डिवाइस है, आप इसको बाइक कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। मैंने भी आपको इसको चेक करके दिखाया, तो अगर आपको इसको बाइक करना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर डाल दिया है, आप वहाँ जाकर इसको बाइक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।